LHS निकालना है ना। देखिए तो आपका LHS हो जाएगा, देखिए LHS बराबर, ये LHS है और ये RHS है ना। हमें ये इस देखिए ये क्वेश्चन है और इतना हमें लाना है ना। देखिए क्या दिया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यही ना है आपका LHS। देखिए तो टू माने क्या होगा बोलिए, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर याद है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं है ना, टू का स्क्वायर दो के पावर दो, इसके माने क्या होगा देखिए, इसके माने कि वही में वही से दो बार गुणा, देखिए दो गुणे दो हुआ ना, तभी ना आपका आएगा चार, यानी दो के स्क्वायर चार आया। तो उसी प्रकार ये देखिए वही इसी प्रकार ये भी करना है ना, इसी प्रकार करना, देखिए क्या करना है, इसी में वही से दो बार गुणा, देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो गया ना। फिर देखिए अब देखिए ए में और ई पूरा में गुणा करना है, क्या करना है ए और पूरा में गुणा करना है, देखिए हम ए लिखते हैं ए हो जाएगा और इंटू में इसको लिखेंगे, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा, हो गया ना। फिर देखिए उसी प्रकार ये भी लिखना है, प्लस हो जाएगा आपका क्या है बी है ना, बी यानी ए प्लस बी हुआ ना। अब देखिए अब बारी बारी से हम इसको हल करेंगे, देखिए ए में और ए में गुणा होगा, क्या होगा आपका दो है, यानी कि ए के पावर दो हो जाएगा, क्या होगा ए के पावर दो और प्लस हो जाएगा आपका, ए और बी में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ए और बी, देखिए यहाँ पर भी प्लस है प्लस दे दिए, फिर बी और ए में गुणा करना है तो जो पहले आता है उसी को हम लिखेंगे है ना, जो चार पद पहले आएगा उसी को लिखेंगे, क्या होगा ए और प्लस में बी, ए बी हम क्यों लिखे क्योंकि दोनों छोड़ने में आसान हो, और देखिए बी में और बी में गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा बी स्क्वायर हो जाएगा है ना। देखिए अब इसको क्या करना है, अब आप लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस, देखिए ये आप और इसको जब आप जोड़िएगा तो क्या आएगा टू आएगा, दोनों एक कैटेगरी का है तो एक कैटेगरी का रहता है, अगर दोनों प्लस में है तो दोनों जुटेगा, अगर वह एक प्लस में रहता है एक माइनस में तो कट जाता, क्या होगा आपका हो जाएगा टू ए बी और प्लस में हो जाएगा आपका बी स्क्वायर है ना। देखिए ये आपका क्या आया, ये आपका आर एच एस आ गया, क्या आया आर एच एस आया आपका, यानी कि आर एच एस आ गया आपका, कितना आया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर है ना। देखिए ये आपका क्या हुआ, यानी आर एच एस आ गया, यानी कि एल एच एस बराबर हो जाएगा आपका, एल एच एस बराबर हो जाएगा आपका आर एच एस, ये क्या हुआ ये प्रूव्ड हो गया आपका प्रूव्ड हो गया है ना। तो इसी तरह बनेगा आपका है ना। फिर हम चलेंगे और फिर हम बताएंगे आपको अगले माइनस वाला है ना।